नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहारा से डॉक्टर रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है। गुरुवार देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दीप्ति के रूप में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है। सहारा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया गया है। रतनलाल पुराने नेता हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। सहारा में भाजपा ने पहले से ही जाट उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया था। सुजानगढ़ से पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। खेमाराम मेघवाल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा में चल रही गुटबाजी और खींचतान का असर उम्मीदवार चयन में दिखने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के बीच मतभेद के बावजूद उम्मीदवार चयन में भाजपा ने सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया है। तीन में से दो उम्मीदवार वसुंधरा राजे के साथ काम कर चुके हैं। खेमाराम मेघवाल वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में खान मंत्री थे, जबकि डॉक्टर रतनलाल जाट उस वक्त बीज निगम के अध्यक्ष थे। राजसमंद से उम्मीदवार बनाई गई दीप्ति माहेश्वरी की मां किरण माहेश्वरी राज्य की कैबिनेट में मंत्री रही थी। भाजपा ने उम्मीदवार चयन में मिक्स अप्रोच दिखाई है। राजसमंद में दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री को मैदान में उतारकर सहानुभूति कार्ड खेला गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खेमे को राजी करना अब चुनौती होगा। सुजानगढ़ और सहारा में उम्मीदवार बनाए गए दोनों उम्मीदवार पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।